हेलो गाइस, सो टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर 4 अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। दिस चैप्टर इज रिटन बाय पैट्रिक प्रिंजल। सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट इन लास्ट वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। आई कांट इमेजिन ए डॉक्टर सेइंग दैट, सेड यूरी। यूरी ने कहा कि मैं ऐसा इमेजिन नहीं करता या मैं ऐसा नहीं सोचता कि कोई भी डॉक्टर ऐसा कहेगा। आई मस्ट ट्राई, सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने कहा कि आई मस्ट ट्राई या मुझे अवश्य ट्राई करना चाहिए इस बात का। टू फाइंड ए डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन नर्व्स। ऐसे डॉक्टर को ढूंढने का जिसका स्पेशलाइजेशन हो वो नर्व्स में हो, यानी वो नर्वस सिस्टम में एक्सपर्ट हो। देर आर प्लेंटी ऑफ देम, सेड यूरी टोल्ड हिम। यूरी ने कहा कि इतने तो ये इस टाइप के जो डॉक्टर्स हैं वो तो काफ़ी हैं। देर आर प्लेंटी ऑफ देम, मतलब काफ़ी डॉक्टर हैं ऐसे। ही हेजिटेटेड फॉर ए मोमेंट। वो कुछ सेकंड के लिए या कुछ टाइम के लिए हेजिटेट हुआ, यानी हिचकिचाया वो ऐसा कहते हुए। एंड देन एडेड, और फिर उसने ऐड किया, रेदर रेलिकेंटली। रेलिकेंटली मीन्स होता है अनविलिंगली। तो उसने अनविलिंगली या बिना इच्छा के उसमें ऐड किया, आई विल आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट इफ दे नो वन इफ यू लाइक। तो जो यूरी है उसने अपनी जो बात कह रहा था उसमें एक ऐड किया बिल्कुल अनविलिंगली, यानी वो चाहता नहीं था ये करना। आई विल आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट इफ दे नो वन इफ यू लाइक। मैं कुछ स्टूडेंट से पूछ सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। विल यू, ओ थैंक यू। क्या तुम करोगे, ओ थैंक यू, धन्यवाद। यूरी, अल्बर्ट साइवर आइज वर शाइनिंग। तो अल्बर्ट ने उसका थैंक यू किया और अल्बर्ट आइज वर शाइनिंग। तो अल्बर्ट की जो आँखें थी वो चमक रही थी। वेट ए मोमेंट, आई हैवन्ट फाउंड वन येट। अब यूरी ने उसे कहा कि एक कुछ सेकंड के लिए रुको, मैंने अभी कोई इसकी इस डॉक्टर को ढूंढना नहीं है या हमें मिला नहीं है अभी। ओ बट यू विल, अल्बर्ट कह रहे हैं कि ओ पर तुम ढूंढ लोगे। एंड इफ आई डू, आई डोंट नो इफ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू। यूरी कह रहा है कि अगर मैंने ऐसा ढूंढ भी लिया, एंड इफ आई डू आई डोंट नो, तो अगर मैंने ऐसा डॉक्टर ढूंढ भी लिया या ऐसे मैंने कर भी लिया, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता इफ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू। मैं नहीं जानता कि वो तुम्हारी मदद करेगा या नहीं करेगा। ही विल डिक्लेयर्ड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने ये डिक्लेयर किया या ऐसा कहा कि वो करेगा। आई एम गोइंग टू हैव ए रियल नर्वस ब्रेकडाउन। मुझे रियल में नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है, यानी मेरा सही में दिमाग खराब हो रहा है। टू मेक इट ईजियर फॉर हिम, ही लाफ्ड मैरिली। अब वो खुशी से हंसा, मैरिली मीन्स होता है हैप्पीली। तो काफ़ी ज़ोर से खुशी से हंसा कि ये उसके लिए ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहे हैं कि ही विल, वो कह लिया कि वो मेरी हेल्प जरूर करेगा। आई एम गोइंग टू हैव ए रियल नर्वस ब्रेकडाउन, ये मेरा तो अभी से नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है। टू मेक इट ईजियर फॉर हिम, तो ये उसके लिए ईजी हो जाएगा काफ़ी, मुझे सर्टिफिकेट देना। ही लव्ड मैरिली, और वो इस जोर से हंसे, काफ़ी खुशी से हंसे इस बात पर। आई हैड नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, रिमार्क यूरी। अब यूरी ने इस पर रिमार्क किया है कि मैंने तुम्हें इससे कम नर्वस कभी नहीं देखा, या इस वक्त तुम सबसे कम नर्वस हो। ए डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट, अल्बर्ट अश्योर्ड हिम। अल्बर्ट ने उन्हें अश्योर किया कि एक दो दिन स्कूल जाएंगे तो वापस वैसा ही हो जाऊंगा। ए डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट, कि एक दो दिन स्कूल के एक दो दिन इसे वापस ठीक कर देंगे। अल्बर्ट अश्योर्ड हिम, अल्बर्ट ने उसे अश्योर किया या पक्का किया। सर्टेनली ही हैड लॉस्ट हिज हाई स्पिरिट व्हेन यूरी सॉ हिम नेक्स्ट। अब सर्टेनली मीन्स निश्चित रूप से, ही हैड लॉस्ट हिज हाई स्पिरिट्स, उसका जो उत्साह था या उसकी जो स्पिरिट्स थी, यानी उसका जो जोश था, ही हैड लॉस्ट हिज हाई स्पिरिट्स व्हेन यूरी सॉ हिम नेक्स्ट। अगली बार जब यूरी ने उसे देखा तब अल्बर्ट का जो सारा जोश था वो जा चुका था। आई कॉन्ट स्टैंड इट एनी लॉन्गर, ही सैड। उन्होंने कहा कि मैं अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता इसे। आई कॉन्ट स्टैंड इट एनी लॉन्गर, मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, ही सैड। उन्होंने कहा, आई रियली शैल हैव ए नर्वस ब्रेकडाउन दैट विल सर्टिफाई एनी डॉक्टर। मुझे तो वास्तव में नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। आई शैल हैव ए नर्वस ब्रेकडाउन दैट विल सर्टिफाई एनी डॉक्टर, और उससे कोई भी डॉक्टर है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। कीप इट अप देन, सैड यूरी, आई हैव फाउंड इट डॉक्टर फॉर यू। तो यूरी ने कहा कि कीप इट अप, मतलब ऐसा करते रहो या कंटिन्यू करो इसे। आई हैव फाउंड ए डॉक्टर फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए एक डॉक्टर ढूंढ लिया है। आई हैव फाउंड ए डॉक्टर फॉर यू। यू हैव, अल्बर्ट फेस लिट अप। अल्बर्ट का जो फेस था उस पर शाइन आ गई या एकदम से वो लाइट अप हो गया। यू हैव, क्या तुमने ढूंढ लिया है।
ओ गुड, व्हेन कैन आई सी हिम? तो अल्बर्ट ने कहा कि बहुत अच्छा, कि तो मैं कब, व्हेन कैन आई सी हिम, मैं कब देख सकता हूँ उसे? आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग, यूरी सेड, हेयर इज द एड्रेस। अब यूरी ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक अपॉइंटमेंट ले लिया है कल शाम का, और हेयर द एड्रेस, ये लो ये एड्रेस है। ही हैंडेड अल्बर्ट ए पीस ऑफ पेपर। यूरी ने अल्बर्ट को एक पीस ऑफ पेपर हैंड ओवर कर दिया, यानी उसे एक पीस ऑफ पेपर दिया। डॉक्टर अर्नस्ट वेल, इज ही ए स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल्स? आस्क्ड अल्बर्ट। जो उसका जो नाम लिखा हुआ था, जो पेपर था उस पर लिखा हुआ था डॉक्टर अर्नस्ट वेल। अल्बर्ट ने यूरी से पूछा कि इज ही ए स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल्स, कि वह क्या वो ये जो नर्वस सिस्टम का या तंत्रिका तंत्र का या जो जो सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम, उसका स्पेशलिस्ट है, उसकी समस्याओं का या उसकी जो बीमारियां होती हैं उसका? नॉट एग्जैक्टली, यूरी एडमिटेड। अब यूरी ने एडमिट किया या ये बात मानी कि नॉट एग्जैक्टली, कि नहीं वो एग्जैक्टली तो इसमें नहीं है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड ए डॉक्टर लास्ट वीक। और सही बात तो ये है कि वो पिछले हफ्ते ही डॉक्टर बना है। ही इज़ ओनली क्वालिफाइड एज ए डॉक्टर लास्ट वीक। वो डॉक्टर के लिए पिछले हफ्ते ही क्वालिफाइड हुआ है। यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट, और हो सकता है तुम उसके पहले पेशेंट ही हो। यू नो हिम एज ए स्टूडेंट देन? तो अल्बर्ट ने यूरी से पूछा कि फिर तुम उसे एज ए स्टूडेंट जानते होगे, यानी जब वो स्टूडेंट था उस रूप में तुम उसे जानते होगे। आई हैव नोन अर्नस्ट फॉर ईयर्स, यूरी हेजिटेटेड फॉर ए फ्यू मोमेंट्स। ही इज़ नॉट ए फूल, ही वार्न्ड अल्बर्ट। अब अल्बर्ट था वो जो यूरी था, उसने कहा कि आई हैव नोन अर्नस्ट फॉर ईयर्स, कि मैं तो अर्नस्ट को सालों से जानता हूँ, यानी मैं इस डॉक्टर को सालों से जानता हूँ। यूरी हेजिटेटेड फॉर ए फ्यू मोमेंट, और यूरी था ये थोड़ा हिचकिचाया, हेजिटेट किया कुछ सेकंड के लिए या कुछ मोमेंट्स के लिए। ही इज़ नॉट ए फूल, ही वार्न अल्बर्ट। उसने अल्बर्ट को वार्न किया कि वो फूल नहीं है या वो मूर्ख नहीं है डॉक्टर। वट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है इस बात से? अल्बर्ट ने पूछा। डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आइज। पुल द वूल ओवर हिज आइज मीन्स चीट और डिसीव हिम, नीचे इसका मीनिंग दिया हुआ है। तो ये एक फ्रेज है कि डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आइज, कि तुम उसे चीट करने का या डिसीव करने का ट्राई मत करना बिल्कुल भी, या उसे धोखा देने की ट्राई मत करना। दैट्स ऑल, बी फ्रैंक विद हिम। बस यही इतना ही है, बी फ्रैंक विद हिम, उससे खुल के बात करो। बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट वाट यू हैवेंट। पर ऐसा प्रिटेंड करने का या ऐसा दर्शाने की या नाटक करने की कोशिश मत करना कि यू हैव गॉट वाट यू हैवेंट, कि जो चीज़ तुम्हें है ही नहीं और तुम उसे दिखाने की कोशिश करो, तो ऐसा मत करना। नॉट दैट यू हैड डिसीव एनी वन, यूरी एडेड, यू आर द वर्ड्स वर्स्ट लायर। नॉट दैट, और ये ऐसा इसलिए कि यू हैड डिसीव एनी वन, कि तुम किसी को भी डिसीव कर सकते हो, ऐसा तो है नहीं कि तुम किसी को मूर्ख बना सकते हो या किसी को धोखा दे सकते हो। यूरी एडेड, यूरी ने ऐड किया, यू आर द वर्ड्स मोस्ट वर्स्ट लायर, तुम दुनिया के सबसे बुरे झूठे हो, यानी तुम, इसका अर्थ है कि तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता, तुम सबसे बुरा झूठ बोलते हो दुनिया में। तो यूरी ने ये बात इसलिए कही है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन है वो झूठ नहीं बोल पाते हैं, और यूरी ने उसने कहा है कि तुम झूठ बोलने का ट्राई मत करना डॉक्टर के सामने, और ये मतलब प्रिटेंड करने की ट्राई करना कि जो तुम में है ही नहीं और तुम प्रिटेंड करो। नॉट दैट यू हैड डिसीव एनी वन, तो तुमने किसी को धोखा तो आज तक दिया नहीं है। एंड यू एडिड, यूरी एडिड, यू आर द वर्ड्स वर्स्ट लायर, तुम दुनिया के सबसे बुरे झूठे हो। अल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वंडरिंग वाट टू टेल द डॉक्टर। अल्बर्ट ने अगला दिन पूरा स्पेंड किया ये सोचते हुए कि वो डॉक्टर को क्या बताएगा, या वाट टू टेल द डॉक्टर, डॉक्टर से क्या कहे। व्हेन द टाइम अराइव फॉर हिज अपॉइंटमेंट, ही हैड वरीड ओवर इट सो मच दैट ही रियली वॉज क्वाइट नर्वस। और जब जो अपॉइंटमेंट का टाइम आया, जो जहाँ जिस टाइम पे डॉक्टर से मिलना था उसे, ही हैड वरीड ओवर इट सो मच, वो इस बात पे इतना ज़्यादा चिंता कर रहे थे दैट ही रियली वॉज क्वाइट नर्वस, कि वो रियली में नर्वस हो गए काफ़ी। आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल, डॉक्टर वेल ही बिगन। अब वो डॉक्टर से मिल रहे हैं और उन्होंने शुरू किया कि आई डोंट रियली नो, कि मैं सच में नहीं जानता हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल, कि मैं मेरी जो ट्रबल है या मेरी जो बीमारी है जो भी, उसे कैसे डिस्क्राइब करूँ। डॉक्टर वेल ही बिगन, डॉक्टर वेल उन्होंने शुरू किया। डोंट ट्राई, सेड द यंग डॉक्टर विद ए फ्रेंडली स्माइल। यंग डॉक्टर थे जो, उन्होंने एक स्माइल के साथ किया कि डोंट ट्राई, उन्होंने एक स्माइल के साथ कहा
कि डोंट ट्राई, कि ट्राई मत करो, यूरी हैड ऑलरेडी गिवन मी हिस्ट्री ऑफ द केस, यूरी ने मुझे ऑलरेडी जो केस हिस्ट्री है वो दे दी है, यानी तुम्हारे केस के बारे में उसने बता दिया मुझे यूरी ने। ओ व्हाट डिड ही से, ओ तो उसने क्या कहा आपसे, ओनली दैट यू वॉन्ट मी टू थिंक यू हैव हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन, बस इतना ही कि तुम चाहते हो कि यू वॉन्ट मी टू थिंक, तुम चाहते हो कि मैं ऐसा सोचूं कि यू हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन, कि तुम्हें एक नर्वस ब्रेकडाउन है, एंड से दैट यू मस्ट नॉट गो बैक टू दैट स्कूल, एंड से दैट यू मस्ट नॉट गो बैक टू स्कूल, और उसने कहा है कि तुम्हें स्कूल नहीं जाना चाहिए, तुम्हें मस्ट नॉट गो बैक टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जरूर नहीं जाना चाहिए। ओ डियर अल्बर्ट फेस फेल, तो अल्बर्ट ने कहा ओ डियर, और अल्बर्ट का जो फेस था वो लटक गया। ही शुडंट हैव टोल्ड यू दैट, उसे तुम्हें ये सब नहीं बताना चाहिए था। वाई नॉट, इजंट दैट ट्रू, इजंट इट ट्रू देन, क्यों नहीं, क्या ये सब सच नहीं है। यस दैट्स द ट्रबल, हाँ यही तो समस्या है। नाउ यू विल से देर इज नथिंग रॉन्ग विद मी, क्योंकि अब आप कहेंगे कि मेरे साथ कोई समस्या नहीं है, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं है। एंड यू विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल, और आप मुझसे कहेंगे कि स्कूल वापस जाओ, या वापस स्कूल जाने के लिए कहेंगे आप मुझसे। डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा कि इतना श्योर मत हो इस बारे में, इतना पक्का ये सब मत कहो। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रीटी श्योर यू आर इन ए नर्वस स्टेट अबाउट दैट स्कूल, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, बल्कि बात तो ये है कि ये मामला है कि आई एम प्रीटी श्योर, कि मैं तो एकदम पक्का हूँ या एकदम श्योर हूँ, यू आर इन ए नर्वस स्टेट अबाउट दैट स्कूल, कि तुम उस स्कूल के बारे में काफ़ी नर्वस हो या नर्वस स्टेट में हुए। बट आई हैवंट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट सैड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा कि पर मैंने तो आपको इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है। वाई डाइड हैव यू, हाउ कैन यू नो दैट, और अल्बर्ट की जो आंखें थी ऐसा कहते हुए उनकी आंखें बड़ी हुई या उन्होंने आश्चर्य के साथ देखा उन्हें। हाउ कैन यू नो दैट, कि आप ये सब कैसे जान सकते हैं। बिकॉज यू वुड नॉट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस इफ यू हैड नॉट बीन प्रीटी क्लोज टू ए नर्वस ब्रेकडाउन, तो जो डॉक्टर हैं उन्होंने कहा कि बिकॉज यू वुड नॉट हैव कम टू सी मी, कि तुम मुझे यहाँ पे, क्योंकि तुम मुझे यहाँ पे मिलने नहीं आते या मुझे देखने नहीं आते अबाउट दिस, इस बारे में, इफ यू हैड नॉट बीन प्रीटी क्लोज टू ए नर्वस ब्रेकडाउन, अगर तुम नर्वस ब्रेकडाउन के बिल्कुल क्लोज नहीं होते तो तुम मुझसे मिलने ही नहीं आते यहाँ पे इस बात के लिए, यानी स्कूल छोड़ने के लिए। दैट्स वाई नाउ सेड द डॉक्टर ब्रिस्कली, और इसीलिए डॉक्टर ने ये बात ब्रिस्कली कही, मतलब एनर्जेटिक वे में कही। नर्वस ब्रेकडाउन आई मस्ट, दैट्स वाई नाउ सेड द डॉक्टर ब्रिस्कली, और क्योंकि दैट्स वाई, और इसीलिए नाउ सेड द डॉक्टर ब्रिस्कली, ब्रिस्कली ने डॉक्टर ने ये बात एनर्जेटिक वे में कही। इफ आई सर्टिफाई दैट यू हैव ए हैड ए, यू हैव हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन, अगर मैं सर्टिफाई कर देता हूँ या अगर मैं तुम्हें ये लिख के दे देता हूँ, ये एक डॉक्यूमेंट दे देता हूँ, दैट यू हैव ए, यू हैव हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन, कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, एंड मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, और तुम्हें स्कूल से दूर रहना चाहिए या स्कूल नहीं जाना चाहिए, फॉर ए वाइल, कुछ दिनों के लिए या एक टाइम के लिए, व्हाट विल यू डू, तो तुम क्या करोगे। तो डॉक्टर ने एनर्जेटिक वे में ये बात कही अल्बर्ट आइंस्टाइन से, कि अगर मैं तुम्हें ये सर्टिफाई कर देता हूँ कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है और तुम्हें स्कूल नहीं जाना चाहिए, तो तुम क्या करोगे। आई विल गो टू इटली सैड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा कि मैं इटली चला जाऊँगा, टू मिलान वेयर माई पेरेंट्स आर, मिलान जहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं। एंड वट विल यू डू देयर, और तुम वहाँ पर क्या करोगे। आई विल ट्राई टू गेट इन टू इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट, मैं ट्राई करूँगा एक इटालियन कॉलेज या इंस्टीट्यूट में जाने की, एडमिशन लेने की। हाउ कैन यू विदाउट योर डिप्लोमा, और तुम ऐसा कैसे कर पाओगे बिना डिप्लोमा के। आई विल आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी समथिंग, मैं अपने मैथमेटिक्स टीचर से कहूँगा कि वो मुझे कुछ दें इस बारे में, अबाउट माई वर्क, मेरे जो काम भी किया है उस काम के लिए कुछ राइट करके दे दे मुझे। एंड परहैप्स दैट विल बी इनफ, और शायद ये इनफ होगा। आई हैव लर्नड ऑल द मैथ्स दे टीच एट स्कूल एंड ए बिट मोर, मैंने सब कुछ वो सीखा है या सब कुछ याद है मुझे जो भी मैथ में सिखाया है उन्होंने स्कूल में, तो मैथ के बारे, मैथ में जो भी कुछ करवाया गया है स्कूल में वो सब मुझे याद है या वो मुझे सब आता है।
एंड बिट मोर, और उससे कुछ ज़्यादा ही आता है, मतलब जितना स्कूल में मुझे पढ़ाया गया है उससे मैं कुछ ज़्यादा जानता हूँ। ही एडेड व्हेन डॉक्टर वेल लुक डाउटफुल, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये ऐड की अपनी बात में, या उन्होंने ये सब बात कही, व्हेन मिस्टर डॉक्टर वेल लुक डाउटफुल, जब डॉक्टर वेल थे वो डाउटफुल या वो संदेह से देख रहे थे अल्बर्ट आइंस्टाइन को, उन्हें डाउट था इस बारे में। वेल इट्स अप टू यू ही सेड, डॉक्टर ने कहा कि वेल इट्स अप टू यू, कि हाँ ये तो तुम पर निर्भर करता है या तुम जानो। ही सेड आई डाउट इफ इट विल कम ऑफ, मुझे तो डाउट है इस बात में कि ये सक्सेस हो पाएगा मामला। कम ऑफ मीन्स होता है सक्सेस हो पाना, या तुम ये सब जो सोच रहे हो कि तुम्हें डिप्लोमा मिल जाएगा या मैथ के टीचर जो कुछ भी लिख के दे देंगे और तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा वहाँ पे मिलान में, इटली में। सो ये सब सुन के डॉक्टर ने कहा कि आई डाउट इफ इट विल कम ऑफ, कि मुझे तो डाउट है इस बारे में कि ये सब सक्सेस हो पाएगा, ये सब जो तुम सोच रहे हो। बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ एनी और एनी वन एल्स मच गुड बाय स्टेयरिंग हियर, बट मैं ये बात देख सकता हूँ कि तुम किसी का भला नहीं कर रहे, यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ, कि तुम अपना और एनी वन एल्स और किसी दूसरे का कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हो यहाँ पे रुक कर बाय स्टेइंग हियर। तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे इस बात में डाउट है कि तुम्हारा ये जो प्लान है ये सक्सेस हो पाएगा, पर मैं ये बात तो देख सकता हूँ कि तुम अपना या किसी और का कुछ भी अच्छा या भला नहीं कर रहे हो यहाँ पे रुक कर। हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, मतलब कितने दिन के लिए तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें लिख कर दूँ, या तो कितने दिन के लिए तुम्हें लाइक मी टू से कितने दिन के लिए कहूँ या ये तुम्हें सर्टिफाई करूँ यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, कि तुम्हें स्कूल से दूर रहना चाहिए। वुड सिक्स मंथ बी ऑल राइट, या 6 महीने काफ़ी होंगे। दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, ये आप काफ़ी आपकी दयालुता है या ये आपकी काइंडनेस है। तो डॉक्टर ने अल्बर्ट आइंस्टाइन से कहा कि हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, कि तुम क्या चाहते हो कि मैं कितने महीने के लिए तुमसे कहूँ या कितने महीने के लिए तुम्हें सर्टिफिकेट दे दूँ कि तुम्हें स्कूल नहीं जाना चाहिए। वुड 6 मंथ बी ऑल राइट, क्या 6 महीने काफ़ी होंगे। दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, ये काफ़ी काइंड है आपका या काफ़ी दयालुता है आपकी। इट्स नथिंग, आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप बींग ए स्टूडेंट माई सेल्फ, तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप बींग ए स्टूडेंट माई सेल्फ, कि मैंने अभी अपना जो स्टूडेंट है उस लाइफ से बाहर निकला हूँ, या स्टूडेंट बने रहना मैंने अभी बंद किया है, क्योंकि ये जो डॉक्टर हैं ये अभी अभी पिछले हफ्ते ही डॉक्टर बने हैं, तो उससे पहले ये भी स्टूडेंट ही थे। तो इन्होंने कहा कि मैं अभी स्टूडेंट से आया हूँ या स्टूडेंट रहना मैंने अभी बंद किया है। सो आई नो हाउ यू फील, तो मैं जानता हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे हो। हेयर यू आर, ये लो, डॉक्टर वेल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट, डॉक्टर वेल ने उसे सर्टिफिकेट दे दिया या उन्हें सर्टिफिकेट हैंड ओवर कर दिया। एंड द बेस्ट ऑफ लक, और उसे बेस्ट ऑफ लक भी कहा कि बेस्ट ऑफ लक, तुम्हारा जो प्लान है सक्सेस हो। हाउ मच, कितने पैसे, अल्बर्ट ने पूछा कि इसके लिए मुझे क्या पेमेंट करनी होगी। नथिंग, कुछ नहीं, डॉक्टर ने कहा नहीं कुछ भी नहीं। इफ़ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर, अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं खर्च करने के लिए, इनवाइट यूरी टू ए मील, तो यूरी को एक खाने पर ले जाओ या यूनी को कुछ डिनर या लंच वगैरह करवा दो। ही इज़ ए गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, वो मेरा एक अच्छा दोस्त है, एंड योर सो, और तुम्हारा भी मैं सोचता हूँ आई थिंक। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं कुछ भी नहीं चाहिए मुझे इसके लिए, कोई पैसे नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं खर्च करने के लिए तो यूरी को एक खाने के लिए ले जाओ या उसको डिनर या लंच करवा दो। ही वो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है और तुम्हारा भी काफ़ी अच्छा दोस्त है, मैं ऐसा सोचता हूँ मैं। अल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर, अल्बर्ट के पास कोई पैसे नहीं थे खर्च करने के लिए, बट ही प्रिटेंडेड ही हैड, पर उन्होंने ऐसा प्रिटेंड किया या ऐसे दिखाया कि हाँ उनके पास हैं। एंड टुक यूरी आउट टू सपर, ही हैड एंड टुक यूरी आउट ऑफ टू सपर, और वो यूरी को ले गए खाने सफ़र के लिए, जो डिनर होता है या सफ़र होता है उसके लिए वो लेके गए। Isn't it wonderful? He said after showing Yuri the certificate. उन्होंने Yuri को सर्टिफिकेट दिखाया और उसके बाद में कहा कि isn't it wonderful? क्या ये wonderful नहीं है, क्या ये बहुत अच्छा नहीं है, आश्चर्यजनक नहीं है। Yes, it's fine. हाँ ये काफ़ी अच्छा है, Yuri ने agree किया। 6 months is a good period. 6 महीने तो काफ़ी अच्छा period है। This way you won't actually be leaving the school. और इस type से या इस रास्ते से You won't actually be leaving the school. तुम एक्चुअली में स्कूल नहीं छोड़ रहे हो, क्योंकि ये 6 महीने का ही है।
सो इफ़ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट, कि अगर बुरे से बुरा भी हो गया, यू विल बी एबल टू कम बैक, तुम वापस आ सकते हो स्कूल में एंड कैरी ऑन योर डिप्लोमा, और जो अपना डिप्लोमा है वो दोबारा कंटिन्यू कर सकते हो। तो यूरी ने कहा कि 6 महीने तो काफ़ी अच्छा पीरियड है, और अगर बुरे से बुरा भी हो गया, यानी यहाँ से जो तुम्हारे जाने का प्लान है उसके बाद में तुम्हारे कोई सक्सेस नहीं मिली, तो तुम वापस आ सकते हो यहाँ पर, अपना डिप्लोमा है जो वो कंटिन्यू कर सकते हो इसी स्कूल में। आई विल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस, अल्बर्ट अश्योर्ड हिम, अल्बर्ट ने उसे अश्योर किया कि मैं उस वापस उस जगह नहीं जाऊँगा या वापस उस स्कूल में नहीं जाऊँगा। आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो, मैं इस सर्टिफिकेट को कल हेड टीचर के पास लेके जाऊँगा, जो प्रिंसिपल है उनके पास, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट, और ये उसका एंड होगा और यहीं पे सारी बात ख़त्म हो जाएगी। डोंट फॉरगेट टू गेट ए रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक टीचर फर्स्ट, यूरी रिमाइंडेड हिम। अब यूरी ने उसे याद दिलाया कि अपने मैथ टीचर का रेफरेंस लेना और उसे लेके जाना मत भूल जाना लिखित में, यानी राइटिंग में पहले अपना जो मैथ टीचर का जो रिटर्न में मैथ टीचर का रेफरेंस ले लेना इस बारे में लिखित रूप से और उसे लेके जाना। मिस्टर कोच विलिंगली गेव अल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड, मिस्टर कोच जो उनके मैथ टीचर हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन के, उन्होंने अपनी इच्छा से विलिंग लिया, मतलब अपनी इच्छा से गेव अल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड, उन्होंने अल्बर्ट को रेफरेंस दे दिया जो कि वो चाहता था, तो यहाँ पे अल्बर्ट को कोई दिक्कत नहीं हुई। इफ़ आई से आई कॉन्ट टीच यू एनी मोर एंड प्रोबेबली यू विल सून बी एबल टू टीच मी, विल दैट बी ऑल राइट ही आस्क्ड। अब जो अल्बर्ट के मैथ के टीचर हैं उन्होंने कहा कि इफ़ आई से, अगर मैं कहूँ आई कॉन्ट टीच यू एनी मोर, मैं तुम्हें और ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता, एंड प्रोबेबली यू विल सून बी एबल टू टीच मी, और शायद कुछ जल्दी ही या कुछ दिनों में तुम मुझे पढ़ा सकते हो, विल दैट बी ऑल राइट, क्या ये ऑल राइट होगा, ये काफ़ी ये ठीक होगा, ही आस्क, उन्होंने पूछा। दैट सेइंग टू मच सर, सेड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा कि ये सर ये आप बहुत ज़्यादा कह रहे हैं। इट्स नॉट दैट, इट्स ओनली द ट्रूथ, बट ऑल राइट आई विल पुट इट मोर सीरियसली, सच बात तो यही है जो अल्बर्ट के टीचर हैं उन्होंने कहा कि ये सच बात है जो मैं कह रहा हूँ तुमसे, बट ऑल राइट, पर ठीक है, आई विल पुट इट मोर सीरियसली, पर मैं जो सर्टिफिकेट में लिखूँगा वो इसे सीरियसली लिखूँगा, मतलब ये सब नहीं लिखूँगा मैं सर्टिफिकेट में, मैं वहाँ पे कुछ सीरियस बात लिखूँगा, आई विल पुट इट मोर सीरियसली। इट वॉज स्टिल ए ग्लोइंग रेफरेंस, पर यह काफ़ी अच्छा रेफरेंस था जो मैथ के टीचर ने दिया था उसे। एंड मिस्टर कोच मेड द पॉइंट दैट अल्बर्ट वॉज रेडी इमीजिएटली टू एंटर ए कॉलेज और इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स, और मिस्टर कोच ने अपने रेफरेंस में ये बात भी लिखी थी, ये पॉइंट भी लिखा था कि अल्बर्ट वॉज रेडी, कि अल्बर्ट रेडी है बिल्कुल इमीजिएटली टू एंटर ए कॉलेज, एक इसी वक्त एक कॉलेज में एंट्री के लिए और एक कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एंट्री के लिए फॉर स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स, जो हायर मैथमेटिक्स होती है या ऊंची जो क्लासों की मैथमेटिक्स होती है उसको पढ़ने के लिए, उसमें एडमिशन के लिए कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में अल्बर्ट आइंस्टाइन एकदम रेडी हैं। आई एम सॉरी यू आर लिविंग अस, मुझे काफ़ी दुख है कि तुम हमें छोड़ के जा रहे हो। ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास, ही सेड, हालांकि तुम मेरी क्लास में टाइम वेस्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा। इट्स ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, सेड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा कि यही एकमात्र क्लास थी मैथ की जो क्लास थी वही क्लास थी जिसमें मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था। बट हाउ डिड यू नो आई एम लिविंग सर, पर आप कैसे जानते कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ या मैं छोड़ के जा रहा हूँ सर। यू वुड नॉट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज, तुमने मुझसे ये रेफरेंस नहीं मांगा होता अगर तुम यहाँ से छोड़ के नहीं जा रहे होते तो। आई थॉट यू वुड वंडर, अब मैंने सोचा कि आप कुछ अलग सोचेंगे या कुछ सोचेंगे इस बारे में। देयर इज नथिंग टू वंडर अबाउट, इस बारे में कुछ भी सोचने के लिए नहीं है आइंस्टाइन। आई नो यू वर गोइंग टू लीव बिफोर यू नो योर सेल्फ, मैं जानता था कि तुम यहाँ से छोड़ के जाओगे। यू वर गोइंग टू लीव बिफोर यू नो योर सेल्फ, तो अल्बर्ट के जो टीचर हैं मिस्टर कोच उन्होंने कहा कि मैं जब तुम जानते हो तुमसे पहले से जानता था कि तुम यहाँ से छोड़ के चले जाओगे, यहाँ से चले जाओगे, ये मैं तुमसे भी पहले से जानता था ये बात। अल्बर्ट वॉज पजल, अल्बर्ट थे वो थोड़ा पजल हुए या उनके थोड़े ये समझ नहीं आई बात। व्हाट डिड द टीचर मीन, जो टीचर थे वो क्या कहना चाहते थे, मिस्टर कोच क्या कहना चाहते थे इस बारे में। ही सून फाउंड आउट, और उन्हें जल्दी ही पता लग गया।
या उन्हें जल्दी ये बात पता चल गई। बिफोर ही हैड ए चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर ही वॉज समन टू द हेड रूम। इससे पहले कि वो पूछ पाते कि इंटरव्यू के लिए हेड टीचर से, ही वॉज समन टू द हेड रूम, उन्हें हेड रूम से या हेड टीचर के रूम से बुलावा आ गया। वेल इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और टू आउटसाइड, ही थॉट। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सोचा कि चलो अच्छा हुआ इससे मैं बच गया एक दो घंटे वेट करने के लिए, एक घंटा या दो घंटा वेट करने के लिए जो मुझे हेड टीचर के रूम के बाहर वेट करना पड़ता अगर मैं खुद जाता इंटरव्यू के लिए। ही हार्डली बोदर टू वंडर वाई ही हैड बीन सेंट फॉर, उन्होंने मुश्किल से इस बारे में सोचा या इस बात ने उन्हें मुश्किल से ही परेशान किया कि वाई ही हैड बीन सेंट फॉर, कि उन्हें क्यों बुलाया गया है। बट वेगली सपोज ही वॉज टू बी पनिश्ड अगेन फॉर बैड वर्क एंड लेजीनेस, पर उन्होंने थोड़ा थोड़ा ये सपोज कर लिया था या थोड़ा थोड़ा उन्हें आइडिया था इस बात का कि ही वॉज टू बी पनिश्ड, कि उन्हें पनिश किया जाएगा अगेन दोबारा उनके बुरे काम के लिए, फॉर बैड वर्क एंड लेजीनेस, और उनके आलसीपन के लिए, उनकी लेजीनेस के लिए। तो उन्हें कोई परवाह नहीं थी कि उन्हें क्यों बुलाया गया है वहाँ पर उन्होंने थोड़ा थोड़ा आइडिया उन्हें हो गया था इस बात का, वेजली मीन्स होता है स्लाइटली, हल्का सा, उन्हें इस बात का हल्का सा आइडिया हो गया था कि उन्हें पनिशमेंट के लिए बुलाया गया होगा उनके बुरे काम के लिए या उनकी जो आलसीपन लेजीनेस है उनकी। वेल ही हैड फिनिश्ड विद पनिशमेंट, पर पनिशमेंट से तो वो ऊपर निकल गए थे या पनिशमेंट से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। ही हैड फिनिश्ड विद पनिशमेंट। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, द हेड टीचर सेड। हेड टीचर ने कहा कि मैं तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं दूंगा या मैं तुम्हें कोई पनिश नहीं करने जा रहा। टू अल्बर्ट सरप्राइज, यू योर वर्क इज टेरिबल एंड आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर, आइंस्टाइन। तो जो हेड टीचर हैं, जो प्रिंसिपल है, उन्होंने कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, मैं तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं देने जा रहा। टू अल्बर्ट सरप्राइज, अल्बर्ट सर के वो सरप्राइज रूप में ये बात कही गई, यानी अल्बर्ट को सरप्राइज हुआ इस बात से कि उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिल रही। योर वर्क इज टेरिबल, तुम्हारा जो काम है वो बहुत ही टेरिबल है, यानी बहुत ही बुरा है, बहुत ही घटिया काम है तुम्हारा। एंड आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर, और मैं कोई भी बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ तुम्हें यहाँ और ज़्यादा रखने के लिए, इस स्कूल में और ज़्यादा रखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। आइंस्टाइन, आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ, मैं चाहता हूँ कि तुम अभी स्कूल से निकल जाओ या अभी स्कूल से चले जाओ। लीव स्कूल नाउ, रिपीटेड अल्बर्ट डेजली, डेज्ड। डेज्ड मीन्स होता है अनेबल टू थिंक या रिएक्ट प्रॉपरली, मतलब जो कुछ भी सोच ना पाए या एकदम से दिमाग काम करना बंद कर दे। लीव स्कूल नाउ, रिपीटेड अल्बर्टली डेज्ड। तो अल्बर्ट ने कहा कि लीव स्कूल नाउ, अभी स्कूल से चला जाऊँ। अल्बर्ट ने पीछे पीछे ये बात कही, रिपीट किया, क्योंकि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा। डेज्ड मीन्स होता है अनेबल टू थिंक और रिएक्ट प्रॉपरली। दैट इज़ वाट आई सेड, यही है जो मैंने तुमसे कहा है। यू मीन सेड अल्बर्ट दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड। तो अल्बर्ट ने कहा कि आपका मतलब है कि दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड, कि मैं एक्सपेल्ड हो जाऊंगा या मैं निकाल दिया जाऊंगा यहाँ से, या मुझे यहाँ से स्कूल से निकाल दिया गया है ऑफिशियली। यू कैन टेक इट दैट वे इफ़ यू विश, तुम ऐसा मान सकते हो अगर तुम ऐसा चाहते हो तो। आइंस्टाइन, आइंस्टाइन के जो प्रिंसिपल हैं, हेड टीचर हैं, उन्होंने कहा कि यू कैन टेक इट दैट वे इफ़ यू विश, तुम इसे इस तरीके से ले सकते हो अगर तुम ऐसा चाहते हो तो, या तुम इस बात को ऐसे मान लो। द हेड टीचर वॉज नॉट मिंसिंग वर्ड, जो हेड टीचर थे वो अपने वर्ड्स को कोई बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहे थे या फिर शब्दों को बना के नहीं बोल रहे थे, उन्होंने डायरेक्टली कह दी ये बात। द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो ऑफ योर ओन अकॉर्ड, जो सबसे सिंपल बात होगी या सबसे अच्छी बात वो ये हो गई कि तुम अपने आप यहाँ से चले जाओ। एंड देन द क्वेश्चन वॉन्ट राइज, और तब जब तू अगर तुम अपने आप चले जाओगे यहाँ से तो कोई भी क्वेश्चन नहीं उठेगा या कोई भी बात आगे नहीं आएगी। बट सेड अल्बर्ट, वट क्राइम्स आई हैव आई कमिटेड, अल्बर्ट ने फिर कहा कि पर सर वट क्राइम आई हैव कमिटेड, कि मैंने क्या क्राइम किया है, मैंने ऐसा क्या क्राइम कर दिया है जो आप मुझे निकाल रहे हैं स्कूल से। योर प्रेजेंस इन द क्लास रूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच, तुम्हारी जो प्रेजेंस है क्लास में, यानी जो तुम्हारी उपस्थिति है क्लास रूम में, वो इम्पॉसिबल बना देती है टीचर को पढ़ाने के लिए, यानी टीचर पढ़ा ही नहीं सकते अगर तुम क्लास में होते हो तो। एंड फॉर द अदर पीपल्स टू लर्न, और जो दूसरे बच्चे वो लर्न नहीं कर पाते, जो अदर पीपल्स पीपल्स टू लर्न, यानी जो अदर स्टूडेंट्स हैं टू लर्न। तो अल्बर्ट के जो टीचर हैं उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो प्रेजेंस है क्लासरूम में वो एकदम इम्पॉसिबल हो जाता है उससे किसी टीचर को पढ़ाना और जो दूसरे बच्चे हैं उनका पढ़ पाना या उनको समझ पाना।
यू रिफ्यूज टू लर्न, तुम सीखना रिफ्यूज कर दिया तुमने, यू रिफ्यूज टू लर्न, तुम सीखना ही नहीं चाहते। यू आर इन कॉन्स्टेंट रिबेलियन, तुम एक कॉन्स्टेंट रिबेलियन हो, यानी एक विद्रोही स्वभाव के हो लगातार तरीके से। एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर इन देयर, एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर देयर, और वहाँ पे कोई भी सीरियस काम नहीं हो सकता जब अगर तुम वहाँ पे हो। अल्बर्ट फेल द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग ए होल इन हिज पॉकेट। अल्बर्ट ने फील किया कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट उनकी जेब में था वो उनकी पॉकेट में एक होल कर रहा है, यानी पॉकेट में जल रहा है और जल के एक होल कर रहा है उसके अंदर। आई एम गोइंग टू लीव एनी वे ही सेड, आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे ही सेड। अल्बर्ट ने कहा कि मैं तो यहाँ से जा ही रहा था वैसे भी। देन यू आर इन, देन वी आर इन एग्रीमेंट एट लीस्ट आइंस्टाइन द हेड सेड। तो जो प्रिंसिपल हैं, जो हेड है, उन्होंने कहा कि फिर तो हम, हमारे में एक एग्रीमेंट हो गया है, यानी हम दोनों एक ही बात पे हैं, या हमारी सहमति है इस बात में कि तुम अपने आप जाना चाहती हो और मैं तुम्हें एक्सपेल करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें निकालना चाहता हूँ। तो हम दोनों एक बात पे सहमत हैं इस बात में, दैट वी आर इन एग्रीमेंट एट लीस्ट। फॉर ए मोमेंट अल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू टेल द मैन वट ही थॉट ऑफ हिम एंड ऑफ हिज स्कूल। एक मोमेंट के लिए या एक क्षण के लिए तो अल्बर्ट को ये डिज़ायर हुई या वो अटेम्प्ट हुई कि वो उस आदमी को बताएं, यानी जो हेड टीचर हैं उनके, उनसे कहें कि वो क्या सोचते हैं उनके स्कूल के बारे में और उनके बारे में। देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, पर उन्होंने अपने आप को रोक लिया। विदाउट अनदर वर्ड, कोई भी दूसरा शब्द कहे बिना, होल्डिंग हिज हेड हाई, अपना सर ऊपर उठाकर ही स्टॉक्ड आउट, वो बाहर धीरे धीरे चल के बाहर निकल गए, वो चलकर बाहर निकल गए। शट द डोर आफ्टर यू, शाउटेड द हेड। अब जो हेड टीचर हैं उन्होंने वो जोर से चलाए कि शट द डोर आफ्टर यू, कि अपने पीछे दरवाज़ा बंद करते जाना या दरवाज़ा बंद करके जाना। अल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, अल्बर्ट ने उन्हें इग्नोर कर दिया, उनकी बात नहीं सुनी उन्होंने। ही वॉक स्ट्रेट ऑन, वो सीधा सीधा चलते रहे। आउट ऑफ द स्कूल वेयर ही हैज स्पेंट फाइव मिजरेबल ईयर्स, वो स्कूल से बाहर निकल गए ऐसा चलते चलते, और वेयर ही हैड स्पेंट फाइव मिजरेबल ईयर्स, उस स्कूल से जहाँ पे उन्होंने पांच दुख से भरे साल बिताए थे। मिजरेबल ईयर्स मीन्स, जो मिजरेबल मीन्स होता है दुख से भरे या बहुत ज़्यादा कष्ट झेलने वाला पीरियड हो। वेयर ही हैड स्पेंट फाइव मिजरेबल ईयर्स, जहाँ उन्होंने अपने पांच दुख से भरे हुए या कष्ट से भरे हुए साल बिताए थे। विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट ए लास्ट लुक, उन्होंने अपना सर भी नहीं घुमाया एक आखिरी बार देखने के लिए। ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनी वन ही वॉन्टेड टू से गुड बाय टू, वो किसी के बारे में भी नहीं सोच पा रहे थे जिसे वो गुड बाय कहना चाहते हों या कुछ भी। सो ही वॉक्ड स्ट्रेट ऑन, वो सीधा चलते रहे आउट ऑफ द स्कूल, और वो स्कूल से बाहर निकल गए। वेयर ही हैड स्पेंट फाइव मिजरेबल ईयर, जहाँ उन्होंने पाँच मिजरेबल ईयर्स बिताए थे। विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट ए लास्ट लुक, बिना अपना सर घुमाए या गिव इट लास्ट लुक, बिना एक बार भी देखे हुए। विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट ए लास्ट लुक, उन्होंने लास्ट एक लास्ट बार भी नहीं देखा अपने स्कूल को मुड़कर। ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनी वन ही वॉन्टेड टू से गुड बाय, वो किसी के बारे में नहीं सोच पा रहे थे जिसे वो गुड बाय कहना चाहते हों। इंडीड यूरी वॉज ऑलमोस्ट द ओनली पर्सन इन मुनियक ही फेल्ट लाइक सीइंग बिफोर ही लेफ्ट द टाउन, और सच में यूरी अकेलौता या एकमात्र ऐसा आदमी था या ऐसा पर्सन था मुनियक में, मुनियक इस शहर का नाम है, ही फेल्ट, जिसके बारे में उन्होंने फील किया लाइक सीइंग बिफोर ही लेफ्ट द टाउन, कि ये जो टाउन है इसको छोड़ने से पहले जिसे वो देखना चाहते हों, ऐसा सिर्फ यूरी था। ही हैड कम टू हेट ऑलमोस्ट एज मच एज द स्कूल, इस टाउन से वो इतनी नफरत करते जितनी कि स्कूल से करते थे। एल्सा वॉज बैक टू बर्लिन, एल्सा वापस बर्लिन जा चुकी थी, एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स, और उनका कोई भी रियल फ्रेंड नहीं था। गुड बाय एंड गुड लक सैड यूरी वेन ही लेफ्ट, जब उन्होंने वहाँ से जा रहे थे या उन्होंने वो जब शहर टाउन को छोड़ के जा रहे थे, तो यूरी ने कहा कि गुड बाय एंड गुड लक, यू आर गोइंग टू ए वंडरफुल कंट्री, तुम एक वंडरफुल कंट्री में या एक आश्चर्यजनक, एक काफ़ी शानदार कंट्री में जा रहे हो। आई थिंक आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर, मैं ऐसा सोचता हूँ या मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि तुम वहाँ पर खुश रहोगे। तो फाइनली अल्बर्ट आइंस्टाइन है वो अपना स्कूल छोड़ के जा रहे हैं, और जो यूरी है उसने उन्हें गुड बाय और गुड लक कहा है, और यूरी ने उनसे कहा है कि तुम एक वंडरफुल कंट्री में, एक काफ़ी शानदार देश में जा रहे हो, और आई थिंक आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर, और मैं ऐसा सोचता हूँ या मैं ऐसी आशा करता हूँ कि तुम वहाँ पे खुश रहोगे।
तो अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने स्कूल से सीधा निकलते चले गए, हेड जो प्रिंसिपल है उनके रूम से, और उन्होंने एक बार भी अपने स्कूल को पीछे मुड़ के नहीं देखा जहाँ पे उन्होंने अपने 5 दुख भरे साल बिताए थे। और वो किसी भी ऐसे इंसान के बारे में नहीं सोच पा रहे थे जिसे वो गुड बाय कहना चाहते हों, क्योंकि इस शहर में या इस स्कूल में सिर्फ एक यूरी ही था इस मुनियक शहर में जिसे वो पसंद करते थे, और इस वो टाउन से भी इतनी नफरत करते थे जितना इस स्कूल से करते थे। एल्सा थी वो वापस बर्लिन जा चुकी थी और उनका कोई रियल फ्रेंड भी नहीं था। सो हियर दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। अल्बर्ट आइंस्टाइन के स्कूल डेज के बारे में था ये चैप्टर, एंड होमवर्क के लिए आपके क्वेश्चंस हैं रीडिंग इन इनसाइड क्वेश्चन नंबर 1-3। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ आइंस्टाइन नेचर फ्रॉम हिज कन्वर्सेशन विद हिज हिस्ट्री टीचर, हिज मैथमेटिक्स टीचर एंड द हेड टीचर? तो आइंस्टाइन की जो कन्वर्सेशन हुई है अपने हिस्ट्री टीचर के साथ में, अपने मैथमेटिक्स टीचर के साथ में, और जो हेड टीचर्स के बारे में, हेड टीचर के साथ में एंड में, इन सब कन्वर्सेशन से आप क्या समझते हैं कि आइंस्टाइन का जो नेचर था यानी कि जो बिहेवियर था उनका, वो किस टाइप का था? क्वेश्चन नंबर 2, द स्कूल सिस्टम ऑफन कर्व्स इंडिविजुअल टैलेंट्स डिस्कस। तो जो स्कूल सिस्टम होता है वो दबा देता है जो इंडिविजुअल टैलेंट होता है, जो आदमी के अंदर नेचुरल टैलेंट होता है, आप इसे डिस्कस कीजिए। हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड इनसाइट इंफॉर्मेशन? तो आप इसमें कैसे डिफरेंस कर सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग यानी जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, या हमें जो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, इकट्ठी करते हैं, जो इनसाइट इन्फॉर्मेशन है, जो हमारे इनसाइट से आती है इन्फॉर्मेशन, जो अंदरूनी इन्फॉर्मेशन होती है, जो एक दूरदर्शिता या इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन होती है, इसमें क्या डिफरेंस है? सो ये आप होमवर्क कंप्लीट करेंगे। सो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।